सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के प्रश्न, यानी जनरल साइंस आप कहिए या फिर सामान्य विज्ञान कहिए, उसका ये पूरा निचोड़ है। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है। 1000 प्रश्नों का ये संग्रह है, जिसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से चुनिंदा प्रश्न, जिसको आप कह सकते हैं टॉप मोस्ट प्रश्न है, जो अक्सर पूछे जाते हैं या अब तक जो नहीं पूछे गए हैं, इस तरह के भी प्रश्न इस वीडियो में उपलब्ध कराया है मैंने आपके लिए। तो वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हम उपलब्ध कराएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वो साथ में जब एक्टिव होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने दो वीडियो जो है वो ल्यूसेंट जीके के लिए बनाई हुई है, जिसमें मिक्स जीके के क्वेश्चन थे, उसमें 1000 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही यहाँ पर जो आई बटन है यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पार्ट वन और पार्ट टू का यहाँ पर आई बटन जो है वो अपियर होगा, आप दोनों देख सकते हैं। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनके पास कम समय है वो भी इस वीडियो को देखिए। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर चुके हैं, काफ़ी पहले आपने फॉर्म भरा हुआ था, आपने अच्छी तैयारी कर ली है, तो आपके लिए ये रिवीजन का भी काम करेगा। और साथ ही अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आपने जो है तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन में ला सकें। और अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए, हर 5 दिन के अंतराल पर इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद अपने अंदर जो आप खुद ही देखेंगे कि चेंजेस आ रहा है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे साइंस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो ये करती है प्रावैग्नि विकिरण से, ठीक है, जिसको आप लोग प्रावैग्नि किरण भी कहते हैं। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो ये लाल रंग की होगी। क्वेश्चन का जो लेबल है थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने, ठीक है, साइंस के लिए खास करके मैंने क्वेश्चन का लेबल बढ़ाया है, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखेंगे बिल्कुल गोल्डन क्वेश्चन है ये सारे। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह है मिश्र धातु। शक्ति का जो मात्रक है यूनिट वो क्या है, वाट है। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जल का अधिकतम घनत्व जो है वो किस तापमान पर संभव होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपको बीच बीच में एड्स आते हैं, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट आती है, तो आप प्लीज़ उसको स्किप ना करें। अगर हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी मेहनत आपके लिए इतनी होती है, तो आप भी हमारे लिए एक छोटा सा ज़रूर काम कर सकते हैं कि आपको ऐड को स्किप नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन में 3.5 घंटे होती जीवन के 3.5 घंटे होती है, यह कथन किस रोग के बारे में कहता है? ठीक है, सिगरेट का जो एक पैक अगर पीते हैं तो आपके जीवन के 3.5 घंटे के बराबर होता है वो, यानी वो इतना नुकसानदेह पहुंच जाता है, तो ये कथन जो है वो कैंसर रोग के बारे में बताता है। कौन सा बल जो है पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा का काम करता है? ये बल है भार। उसके बाद है मंड और शर्करा, जिसको चीनी कहते हैं, शर्करा को, दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? तो ये होती है बाजरा, ठीक है, धान्य फसल में सबसे कठोर फसल क्या होती है? बाजरा। उसके बाद वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो ये है निकेल। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? ये होता है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से ही जो है वो रतौंधी बीमारी होती है, जो आँखों की बीमारी होती है। और इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन कौन बनाता है? तो ये बनाता है लैंगर हैस द्वीप, ठीक है, ये इंसुलिन बनाता है। और प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व तो होता है? ये होता है ध्वनि। नेक्स्ट है, बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ जो कोहरा होता है वो क्या होता है? तो धूम कोहरा कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के पटल में, ठीक है, पृथ्वी के पटल में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना है।
यहाँ पर पूरे वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पृथ्वी के पटल की बात हो रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो ये लगता है काला। ये अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा लगता है? यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा लगता है? तो वो लगता है काला। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? वो होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है रक्त दाब में। अगला प्रश्न है, हवा को छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो ये करता है परवलयिक। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, यानी पानी का कोई खास असर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जो वह है जलता ही रहता है। जब पानी और पेट्रोल को मिलाया जाता है, तो जैसे ये पानी है और इसमें पेट्रोल डालेंगे, तो पेट्रोल जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो जब आप मान लीजिए पेट्रोल की लगी हुई आग को आप बुझा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी जब डालेंगे तो पानी और पेट्रोल आपस में मिक्स नहीं होता, इसलिए वो आग नहीं बुझती है। अगला है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो यह है सोयाबीन। और ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं करती? निर्वात। निर्वात में जो है वो ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती हैं। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। अगला सवाल देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के मुख्य रूप में से क्या पाया जाता है? डायनामाइट के अंदर जो है मुख्य रूप से नाइट्रोस ग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोस ग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। और एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है, ठीक है, आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? यह है ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद है, फाइकोलॉजी का अध्ययन जो है वो किसके किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। डायरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है? वायु के घर्षण के कारण। आपने देखा होगा जो घड़ी होती है, दोलन घड़ी, तो उसमें ये जो लोलक होता है ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ मूव करता रहता है। तो ये जो है दोलन करते हुए लोलक जो है कि कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, तो जो कारण है वायु के घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक, ज्योति दक्षता इसका जो मात्रक है ये ल्यूमेन पर वाट, ठीक है, ल्यूमेन पर वाट होता है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण से उत्पन्न होता है? ये होता है आयरन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग की गति में काम करती है। ध्वनि जो है वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, ध्वनि किस तरंग में काम करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग की गति में काम करती है। अगला प्रश्न है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने के कारण बुझ जाती है, ये किस कारण से ऐसा होता है? ठीक है, अगर टम्बलर से ढक दिया जाए तो वो किस कारण से बुझ जाती है? हवा की अपर्याप्त पूर्ति के कारण। जलती हुई मोमबत्ती है, उसको जो है किसी टम्बलर से ढक दिया जाए, तो क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं मिलती है उसको, इसीलिए वो बुझ जाती है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर को रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित कब होता है? जब वो बहुत अधिक पॉलिश किया होता है। भारी पानी जिसको हेवी वाटर कहते हैं या भारी जल कहते हैं, उसका सूचक पूछा गया है यहाँ पर, या सूत्र पूछा जा रहा है, तो वो है D2O, जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O। इनमें से कई सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हुए भी हैं, लेकिन ये प्रश्न रिपीट होते हैं क्योंकि ये गोल्डन क्वेश्चन हैं। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। कौन सी फसल जो है मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ इसलिए है क्योंकि SSC, UPSC, रेलवे कुछ इस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करने लगे हैं जो आपने लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो ये होते हैं दलहनी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? ये कहलाती है कोशिका, ठीक है। अगला देखिए,
पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। जो शरीर की गर्मी है उसको बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना पक्षियों के पंख का मुख्य काम होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पौधा जो है वो फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? यह है साइकेस। साइकेस एक ऐसा पौधा है जो कि फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनसे जो हम खाद्य तेल मिलता है, ठीक है, खाद्य तेल हम इसे, जो हम खाने वाला तेल है इसे हम यूज़ करते हैं। सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल भी हम खाने योग्य तेल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो है वो क्या है? तो वह गुरिल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वो तेज़ी से चल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, उसका खाया हुआ खाना। नेक्स्ट है, एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण क्या, कैसा दर्पण होता है? यानी मोटर वाहन में जो दर्पण लगा होता है साइड मिरर में, वो किस तरह का दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, घर्षण को मेंटेन रखने के लिए जो है वो जूतों में जो तला लगाया जाता है। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? वो है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। नेक्स्ट है, आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? तो ये होता है अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। और नेक्स्ट है, कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है, वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? लाइन काफ़ी लंबी है लेकिन जवाब जो है वो काफ़ी आसान है, नमक। नमक डाला जाता है अचार में और ये एक रासायनिक परिरक्षक है, ठीक है, रासायनिक परिरक्षक नहीं है, रासायनिक परिरक्षक डाले बिना ये है जो अचार तैयार करने का ये बहुत पुराना तरीका है, ठीक है, बिना रासायनिक परिरक्षक के इसको जो सुरक्षित रखा जाता है वो है नमक के माध्यम से। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। शैवाल में किस चीज़ की बहुलता होती है? तो ये होती है क्लोरोफिल की। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, खाना पकाने की गैस किस दो गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है, जो एलपीजी गैस होती है उसमें होता है मुख्यतः ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ये दोनों का मिश्रण होता है। और एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन जब मिलाया जाता है तो वो गैस गंध आती है उसमें, ताकि जब रिसाव हो तो पता लग सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का जो अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC के कारण जो है ओजोन परत का जो है वो क्षय होता है, या अवक्षय मुख्यतः इसी के कारण से होता है। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटोन की धारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से द्वारा मालूम की जा सकती है? तो ये होता है सोनार, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा जो है अपवर्तन होती है, इसके कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की अपवर्तन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, चमगादड़ों जिसको बैट बोलते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक वेव को पहचानने के लिए इसके अंदर वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको वो पहचान लेता है, प्रासरव ध्वनि तंत्र होता है जिसको वो पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको ये मैंने पहले ही बताया, आँख जो है विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें यूज़ किया जाता है। पेड़ ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत। स्रोत दो तरह के होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, तो जो पेड़ है वो है नवीकरणीय स्रोत। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? वो होता है टंगस्टन का बना हुआ, ठीक है, क्योंकि ये अधिक उच्च गलनांक वाला होता है, ये लगभग 3,000-3,200 के आसपास का, 3,300 के आसपास का गलनांक होता है इसका। कई जगह पर 3,200 मिलता है, कई जगह पर 3,300 भी मिलता है, ठीक है, गलनांक इसका। उसके बाद प्राकृतिक मोम और लाख जो है वो किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो ये कीड़ों के स्राव। और उसके बाद अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालय के नज़दीक एक खास तरह की गैस की बदबू आती है,
तो ये कौन सी गैस होती है? ये होती है अमोनिया। ठीक है, शौचालय के पास जो बदबू आती है जिस गैस की, वो कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। उसके बाद है दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है, जबकि उस दूध से तैयार किए गए दही का स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है। इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन निहित होता है? देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो यह है सतही तनाव का। नेक्स्ट है, सामाजिक जो है वो डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो ये योग्यता की उत्तरजीविता। अगला प्रश्न है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? उत्तर दर्पण। ठीक है, ड्राइवर अपने अंदर भी रखते हैं वो दर्पण, जब आप जैसे कार वगैरह देखेंगे तो उसमें अंदर भी होता है, अंदर की साइड पर ड्राइवर के ठीक सामने, और एक यहाँ साइड में, तो दोनों ही उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जो बासी मक्खन है उसकी दुर्गंध का कारण क्या है? ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड की वजह से जो है बासी मक्खन में दुर्गंध आती है। शीरा से मदिरा निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है किण्वन। किण्वन कहते हैं शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, संचायक बैटरी में सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है शीशा। और नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो अद्यतन प्रौद्योगिकी है किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? विधि या फिर न्याय विज्ञान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, नर मेढक या नर मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्यों? क्योंकि नर मेढक में वाक कोश होते हैं। नर मेढक जो है वो मादा मेढक से अधिक टर करता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें अधिक वाक कोश होते हैं। ठीक है, टर्राता है इसी वजह से। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ 60 किलो की है तो वहाँ जाकर के उसका 1/10 हो जाएगी, यानी 60 का 1/10 कितना हो गया? ये 1/6 हो जाएगी, सॉरी 1/6 हो जाएगी, यानी 10 किलो हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी पर कोई चीज़ अगर 1 किलो की है तो वहाँ जाकर 1/6 किलो की हो जाती है चंद्रमा पर। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ 10 की है तो 10/6 की हो जाएगी, कोई चीज़ 60 किलो की है तो 60/6 की हो जाएगी, यानी 10 kg की हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? यह विटामिन B6 का। उसके बाद वन्य किस्मों के साथ संस्करण क्रॉसिंग करके उगाई जा सकती है किस्में जो होती हैं वो कौन होती है? रोग प्रतिरोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो यह जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? जस्ते का। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो जो ये मुंह का कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंदर। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? यह है एलर्जी। ठीक है, दमा जो है अस्थमा जिसको कहते हैं, और हे जो एस्थमेटिक होते हैं पेशेंट वो एलर्जी के ज़्यादातर शिकार होते हैं, और ये एलर्जी के कारण ही होता है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल और बंदर में मुख्यतः क्या सामान्य है? दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। उसके बाद है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो किससे निकलता है? अवटु ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे को रूपाकार को का अध्ययन करती है? तो ये परिस्थिति विज्ञान। ठीक है, लोटस जावा ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र से हैं? ये कंप्यूटर का प्रश्न भी आ गया है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि फिसलन से बच सके और न्यूनतम जो घर्षण है वो घर्षण जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण के लिए। शुष्क सेल क्योंकि बहुत ज़्यादा घर्षण होने लगेगा तो जो उनकी वो जो टायर है वो भी घिसेगी, वो तो घिसेगी घिसेगी, साथ में जो स्पीड है या जो भी जो गति है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो घर्षण ठीक से हो और फिसलन न हो इससे बचने के लिए।
शुष्क सेल में एनोड जो है वो किसका बना होता है, वो होता है ग्रेफाइट कार्बन का। और गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच का अंतराल जो है छोड़ना क्यों आवश्यक होता है। जब आप देखते होंगे दो पटरियाँ आपस में जुड़ती है तो इसके बीच में ना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है और इसको बाद में किसी चीज़ से फिल किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गर्मियों के टाइम में ये जो जो लोहा है ये फैलता है थोड़ा, तो जो फैलता है तो इसके अगर इसको पहले से ही चिपका कर रखा जाएगा तो फिर ये टेढ़ी हो जाएगी ताकि दुर्घटना ना हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि जब ये फैले तो ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उसके बाद है क्योंकि ग्रीष्मकाल में मेविस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं से रोका जा सकता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है, फ्यूज का जो तार होता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक वाला होता है, निम्न गलनांक समझिए इसको, और उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, और जो गलनांक है वो काफ़ी कम होता है। यदि नोड वो इसलिए क्योंकि इसमें बचाता है ये हमें दुर्घटना होने से, हमारे घर में किसी तरह की जो शॉर्ट सर्किट जब हो जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, तो उस कारण से फ्यूज़ पहले फ्यूज होता है, कोई सामान बाद में नुकसान ना हो इसलिए पहले फ्यूज जो है वो फिर जो है टूट जाता है और हमारे जो घर में सामान है, महंगे उपकरण है, उनको सुरक्षित करता है। यदि नोड तथा संलग्न एनी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो तरंग दैर्ध्य तरंग जो है वो कितनी दीर्घ होगी, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 120 सेंटीमीटर होगी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो ये करता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन का काम यूरेनियम करता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है, तो ये होता है दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में और भी गैसें आपको दी हुई होंगी। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, 80 से 82। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, ये होता है तंत्रिका आवेग के अंदर।